आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस द्वारा किया गया बड़ा खुलासा। यूनिवर्सिटी की कॉपियों को बदल कर उनके स्थान पर दूसरी कॉपियां रखने वाले दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 3 उत्तर पुस्तिकाएं बरामद हुई है। दुर्गेश उपनीत नामक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि 26 अगस्त को आगरा यूनिवर्सिटी में BMS की कॉपियों की अदला बदली का मामले में ड्राइवर देवेंद्र को पकड़ा गया था, जिसके बाद एक के बाद एक खुलासे होते गए। इसी मामले में STF का भी गठन किया जा चुका है और अब तक 4 लोग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आगरा पुलिस थाना हरिपर्वत में पंजीकृत BMS कॉपी बदलने के फर्जीवाड़े मुकदमे में निरंतर कार्य कर रही है और आगरा पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सुराग मिलते ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम है दुर्गेश ठाकुर पुत्र प्रकाश सिंह, जिला जौनपुर का रहने वाला है और उसका हाल निवासी पता महर्षिपुरम थाना सिकंदरा है, और दूसरा व्यक्ति है पुनीत पुत्र रामलखन सिंह, ये कोतवाली कासगंज का रहने वाला है। जो पहला व्यक्ति दुर्गेश ठाकुर है, ये एक दलाल किस्म का आदमी है और ये बच्चों से पैसे लेकर कॉपी बदलवाने का ठेका लेता था, और इसके साथ साथ जो अभी तक हमारे संज्ञान में आया है ये पूरा मामला कि ये लोग कॉपियाँ लिखते थे और उन कॉपियों को बदल दिया करते थे। तो ये वो व्यक्ति है कि जो कि कॉपियों को लिखवाने का भी कार्य करता था, और इसके पास से हमें कुछ ऐसी कॉपियाँ ही बरामद हुई हैं जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा पुनीत पुत्र रामलखन, ये BMS का छात्र है और ये राइटर का काम करता है। जो कॉपियाँ दूसरे के हैंडराइटिंग में लिखी होती हैं, जिन पे बड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, उन कॉपियों को खुद लिखने का काम करता है और अपने कुछ सहयोगियों के साथ इसे लिखता है। इसके बयानों में कुछ और नामों का खुलासा हुआ है। पुलिस उन सभी तथ्यों को पहले तस्दीक करेगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करेगी। ये पूरा फर्जीवाड़ा में एक बड़े गैंग का होने का पता चला है, जिसके दो सदस्यों को हमने अभी गिरफ्तार किया है, लेकिन इनके बयानों को पहले हम लोग तस्दीक करेंगे और तब किसी के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। जिनका भी नाम आ रहा है उनको सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा।